हम अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स और रिड्यूसिंग एजेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स वो होते हैं जो ऑक्सीडाइज करते हैं दूसरे सब्सटेंस को, और रिड्यूसिंग एजेंट्स दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करते हैं। और इतना भी हम अच्छी तरह से समझ गए हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स दूसरे सब्सटेंस को जब ऑक्सीडाइज करते हैं तो ऑक्सीडाइज करते समय ये खुद रिड्यूस हो जाते हैं, और रिड्यूसिंग एजेंट्स दूसरे सब्सटेंस को रिड्यूस करते समय खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं। इतना हमें क्लियर हो चुका है। लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट्स को जब हम लैब में यूज करते हैं तो हम एक कलर चेंज देखते हैं, ये कलर चेंज कर लेते हैं, ये कलर चेंज कर लेते हैं। अब ये कलर चेंज क्यों होता है? रिड्यूसिंग एजेंट्स और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट्स जब ऑक्सीडाइज होते हैं तब वो भी अपना कलर चेंज करते हैं, और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रिड्यूस होते समय अपना कलर चेंज करते हैं। यूजुअली जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स रिड्यूस होते हैं तो इनका कलर फेड हो जाता है, इनका कलर लाइट हो जाता है। पर ऐसा होता क्यों है, इसके पीछे क्या कॉज है, इसको हम एक इस एग्जांपल से समझते हैं। देखो पोटेशियम परमैंगनेट 7, पोटेशियम परमैंगनेट 7 एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, तो इस बात से ही क्लियर हो रहा है कि ये खुद रिड्यूस होता है। ये एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ये खुद रिड्यूस हो जाएगा। रिड्यूस होने का मतलब है कि इसका कलर चेंज होगा, कलर चेंज होगा और ये लाइट कलर में कन्वर्ट हो जाएगा, ये लाइट कलर में बदल जाएगा। KMnO4 का कलर होता है पर्पल, ये पर्पल कलर का होता है। अब इस चीज को हम इस तरह से समझ सकते हैं, इस मैंगनीज, मैंगनीज क्या है, एक ट्रांजिशन एलिमेंट है, और हमें अच्छी तरह से पता है कि जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 भी हो सकती है, +4 भी हो सकती है, और +2 भी हो सकती है। बट मैंगनीज को +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से ज्यादा पसंद है +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में रहना। तो क्या करता है ये, +7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ जाता है, रिड्यूस होकर के +7 से +2 ऑक्सीडेशन में स्टेट में आता है और इसका कलर चेंज हो जाता है। अगर हमने एक अननोन लिक्विड लिया, अगर मैंने एक अननोन लिक्विड लिया और इस अननोन लिक्विड में पोटेशियम परमैंगनेट डाला, KMnO4, पोटेशियम परमैंगनेट 7 डाला, तो होता क्या है, इसका कलर पहले पर्पल था, यह पर्पल से लाइट पर्पल हो जाएगा, ये फेड हो जाएगा, इसका कलर फेड हो जाएगा। क्यों फेड होगा? क्योंकि ये रिड्यूस हो जाता है, क्योंकि ये रिड्यूस हो जाता है। रिड्यूस क्यों होता है? क्योंकि ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इस बात को यहाँ पर हमें समझना होगा, ये खुद एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ये बात हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट खुद रिड्यूस होते हैं, और जब ये रिड्यूस होगा तो इसका कलर लाइट हो जाएगा। ये एक अननोन लिक्विड है, तो अब यहाँ हम दूसरी बात ये समझ सकते हैं, जब ये अननोन लिक्विड है और पोटेशियम परमैंगनेट 7 के कलर को इसने लाइट कर दिया, या हम कह सकते हैं पोटेशियम परमैंगनेट 7 को इसने रिड्यूस कर दिया, तो क्या ये एक रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है? यस, ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ये अननोन लिक्विड एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि ये अननोन लिक्विड जो कि एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है। ये बात यहां पर समझने वाली है कि अननोन लिक्विड जो एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम कर रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्यों काम कर रहा है, क्योंकि इसने पोटेशियम परमैंगनेट 7 को रिड्यूस करा। क्यों रिड्यूस किया? पोटेशियम परमैंगनेट 7 को इसने 7 से +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में कन्वर्ट कर दिया। पोटेशियम परमैंगनेट 7 में इसने मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +7 से +2 कर दी। तो इसने क्या किया, रिड्यूस किया, किसको रिड्यूस किया, पोटेशियम परमैंगनेट 7 को। तो ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, और हमें अच्छी तरह से पता है कि रिड्यूसिंग एजेंट खुद ऑक्सीडाइज हो जाते हैं, ठीक है। तो यहां पर हुआ क्या कि MnO4 में जो मैंगनेट आयन था, मैंगनेट आयन इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +7 थी, ये कन्वर्ट हो गई मैंगनेट।